देखिए जो है रिसर्च सेंटर मेरा है छोटा सा, इसमें कई प्रकार के फसल लगाता हूँ सीजन के अनुसार। जो है ये बैंगन देखिए, इसके बाद पपीता लगा दिया हूँ, देसी पपीता जिसका, ये देखिए पपीता। अब देखिए पहचान, अब ये पपीता लगाने का विधि है 6x6 या 8x8 फीट पर, लेकिन मैं 6 के अंदर जो है 3 फीट पर लगा दिया। ये भाग रहा है ना, तो 99% गारंटी है कि अंदर पौधा, इसमें फूल आएगा फल नहीं आएगा, इसलिए इसको आगे चल के हम काट देंगे जब फूल आने के बाद पहचान मिल जाएगी। जो पपीता का पौधा सामान्य से ज़्यादा भाग रहा हो समझिए कि नर पौधा है, नर पौधा जरूरी है। तो इस तरह यहाँ भी अग्नि हो तो चलता है सुबह शाम, और अब तो आँख खराब हो गया है, लेकिन ये उन्नति सिंह है हमारी पोती है, अब इसको मैं सिखा रहा हूँ, अग्निहोत्र करेगी और देश दुनिया को बताएगी। अभी इसको मैं भेजूंगा भोपाल माधवाश्रम नंगनी दीदी के यहाँ। और ये देखिए गुड्डू सिंह आए हैं गाजीपुर से, गेहूँ कुदरत नहीं लगाए थे, वो लगाए थे क्या क्या लगाए थे? कुदरत नहीं लगाए थे, इसकी बहुत अच्छा पैदावार हुआ, 9 इंच से ऊपर बाल गया 10 इंच का। अभी दिव्या धान लगाए हैं जिसकी एक एक, एक मतलब फल के जो 12 इंच के हैं और बहुत अच्छा लगा है से मिलके, और इन्हें यहीं से बीज हम ले गए, देसी बीज अपना। अग्निहोत्र का भस्म वगैरह? अग्निहोत्र का भस्म और फिटकरी मैंने उसको स्प्रे किया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो अग्निहोत्र और फिटकरी मिला करके हमने स्प्रे किया, मिट्टी पॉजिटिव हुई। उसके बाद मैंने उसके दानों पे भी स्प्रे किया, 3 बार स्प्रे मैं किया अग्निहोत्र का, जिससे दाने पॉजिटिव हो गए, बड़े हो गए और स्वस्थ हो गए दाने, स्वस्थ हो गए। उनमें मतलब नई एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आ गई दानों। अब क्या ब्रह्मदंड क्या अपने खेत में प्रयोग करने जा रहे हैं बता दीजिए थोड़ा। ब्रह्मदंड का होता है कि जिसको कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी अभी नए प्रयोग में इसको 0 वोल्ट थेरेपी बोलते हैं, जो कि हमारे आदिकाल से ब्रह्मदंड है, जो कि इलेक्ट्रॉन का प्रभाव बढ़ा देता है। अच्छा, जो से कि परमाणु जब टूटता है तो उसमें 3 चीज़ें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो मेन है दानों को निरोग रखना और दानों में के बढ़ते समय उनका असली से विकास करना, और वो 0 वोल्ट थेरेपी उसको आधुनिक विज्ञान में कहा जाता है। 0 वोल्ट थेरेपी का मतलब कि उस पौधे में या शरीर में दोनों की संरचना एक टाइप से है, उसमें कोई रोग ही अब नहीं पनपेगा, रोग जो पनपेगा अपने आप निकल जाएगा। जी, और उसे तो कहीं कहीं प्रयोग हो रहा है। जैसे गुरु जी बोल रहे थे और कई लोग की ध्वनि जो है खेतों में लगा रहे हैं, वो होती है। और कांसे की थाली जो बनाई जाती है उसकी भी ऐसी प्रतिध्वनि होती है कि कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी। मंदिरों में भी काशी के वही खेतों में बजाया जाएगा, तो वहाँ से भी कीट मुक्ति होगी। तो प्रयोग करना है, प्रयोग करना है, कुछ भी शोध खोज है करके अब आने वाले वारिसानों को बता करके और ये व्यवस्था कायम करना है। परशुराम की कृषि संहिता और पराशर की, इस दोनों का भी अध्ययन किया जाएगा इस जाड़े में, उसके बाद कुछ और नई चीजें निकली। नहीं नहीं ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपको।